long leg running race. माधापुर नाम के गांव में रघुराम नाम का एक युवक रहता था। वो बचपन से ही ठिगना था, इसी कारण गांव वाले उसे ओ ठिगने ठिगने कहकर चिढ़ाते थे। ये सुनकर वो बहुत दुखी होता था। रघुराम के पिताजी कांशीराम जंगलों में पेड़ काटते हुए गुजारा करते थे। कांशीराम रघुराम को अपने साथ हर रोज जंगल ले जाता था। वहां जंगल में एक पेड़ को सूखा हुआ देखकर रघुराम पास के झील में से पानी लाकर उस पेड़ को हर रोज पानी डालता था। एक दिन गांव के चौपाल के पास एक व्यक्ति आया और ऐलान करने लगा, जो भी युवक इस साल के खेल कूद के प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वो अपना नाम दर्ज कराएं। रघुराम उस व्यक्ति के पास गया और अपना नाम दर्ज करने को कहा। तब वहीं खड़ा एक और युवक, अरे बच्चू, ये प्रतियोगिता तेरे जैसे ठिगनों के लिए नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए है, कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। ये सुनकर वहाँ खड़े सब हंसने लगे। रघुराम रोते हुए वहाँ से चला गया। वो यूं दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसके पिताजी वहाँ पहुँचे। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे ये अपमान सहा नहीं जाता, अरे ये जीना भी कोई जीना है, कहकर दुखी होने लगा। लेकिन ऐसा पैदा होने में तुम्हारी क्या गलती है बेटा, तुम अपने नेकी से सबका मन जीत सकते हो। तुम अच्छा काम करके सबके साथ अच्छा बने रहो तो जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही तुम्हारी इज्जत करेंगे। शरीर के आकार के हिसाब से कोई इज्जत नहीं देता। तब रघुराम गुस्से में, आप सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए ये बातें कर रहे हो। ये सब बातें सुनकर उस पेड़ के अंदर से एक रोशनी प्रकट हुई और उस पेड़ में से वन देवता प्रकट हुई। बेटा, इतने दिन तुमने मुझे पानी डालकर पोसा है, मैं तुम्हें एक वर देती हूँ। कहकर जैसे ही उसने हाथ हिलाया, एक जड़ी बूटी उसके हाथों में प्रकट हुई। उस वन देवता ने रघुराम को जड़ी बूटी दी। इसे अपने पैरों में मलो तो तुम जितना चाहो तुम्हारा कद उतना बढ़ सकता है, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, कहकर गायब हो गयी। तब रघुराम और कांशीराम ने उस पेड़ को प्रणाम किया। घर लौटने के बाद रघुराम ने सोचा कि इस जड़ी बूटी को अपने पैरों में मलेगा और अगले दिन प्रतियोगिता में जीत कर सबका जबान बंद कराएगा। अगले दिन प्रतियोगिता के लिए सब तैयार थे। लोग बड़ी उत्सुकता के साथ उस प्रतियोगिता को देख रहे थे। रेफरी ने सीटी बजाई और झंडा लहराया। सब युवकों ने दौड़ना शुरू किया। रघुराम पीछे रह गया। उसने तुरंत उस जड़ी बूटी को निकाला और अपने पैरों में मलने लगा। उसकी टांगें लंबी हो गईं, वो बहुत लंबा हो गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। यूं वो बड़े बड़े कदम डालते हुए चलने लगा। वो हर एक से आगे निकलने लगा। यूं चलते चलते ही रघुराम ने फिनिशिंग लाइन को पार कर लिया। सबने ताली बजाई। रघुराम विजयी हुआ। अगले दिन रघुराम गांव में पैदल जा रहा था कि सब हैरान होकर उसे देखने लगे। अरे ये तो बड़ा अजीब है, ये हुआ कैसे? जब मैं ठिगना था तब मेरा मजाक उड़ाते थे और अब लंबा हो गया तब भी आप पूछते हो ये हो कैसे गया? क्या मेरा लंबा होना आपको अच्छा नहीं लगा? जलन हो रही है। यूं कुछ समय बीत गया।
रघुराम में घमंड होने लगा। अगर उसे देखकर कोई प्रणाम ना करता तो रघुराम उसे लात मारता। यूं सब झुक झुक कर उसे प्रणाम करने लगे। अब लंबे टांगों के साथ रघुराम काफी परेशान होने लगा, क्योंकि वो लंबे कद का था, वो घर के अंदर जा नहीं पाता था। ये देखकर कांशीराम रघुराम से, अरे बेटे, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? सारा गांव तुम्हें देखकर डरता है। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है, ना जाने वो तुम्हें क्या कर बैठे। मेरी बात मानो, तुम उस वन देवता के पास जाओ और उनसे विनती करो कि तुम्हें फिर से सामान्य रूप में बदल दें। कहकर उसे समझाया। ये सुनकर पहले रघुराम ने आनाकानी की, फिर मानकर पिताजी के साथ जंगल की ओर चला गया। वहां जाकर उसने वन देवता की प्रार्थना की। वन देवता प्रकट हुई। मैंने तुम्हें ये वर इसीलिए दिया ताकि तुम चार लोगों के काम आ सको, लेकिन तुम घमंडी हो गए हो। ये ठीक नहीं है। तुम इसीलिए दुखी थे कि वे तुम्हें तंग करते हैं और आज तुम उन्हें तंग कर रहे हो। अब से तुम लोगों को तंग करना छोड़ दो। कहकर रघुराम को फिर से सामान्य रूप में बदल दिया। रघुराम और उसके पिताजी ने वन देवता को प्रणाम किया। उन दोनों को आशीर्वाद देकर वन देवता गायब हो गई। तब से रघुराम सामान्य व्यक्ति के रूप में जिंदगी बसर करने लगा।